गाइस, हम सभी ये तो जानते ही हैं कि हमारी इंडियन एयरफोर्स दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स में गिनी जाती है, जो 700 से भी ज्यादा फाइटर जेट्स को ऑपरेट करती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंडियन एयरफोर्स अपने रिटायर्ड फाइटर जेट्स के साथ क्या करती होंगी? क्या वे सिक्योरिटी पर्पस के कारण इन्हें स्क्रैप में तब्दील कर देते हैं, या फिर ऐसा ही कुछ और? तो आइए आज इस बारे में भी जानते हैं। दरअसल दोस्तों, एक रिटायर्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को कभी पूरी तरह से बर्बाद नहीं किया जाता, बल्कि उनके अंदर के सभी एविएशन पार्ट्स को यूटिलाइज करने के लिए सावधानी से बाहर निकाला जाता है, जिसमें रडार, कॉकपिट इलेक्ट्रॉनिक्स समेत एयरक्राफ्ट का टर्बोजेट इंजन भी शामिल होता है। अब इन पार्ट्स को निकालने के भी दो कारण हैं। पहला कि इन निकाले गए गैजेट्स का इस्तेमाल दूसरे जेट्स पर भी किया जा सके जो अभी भी सेवा में हैं, और दूसरा कि इन पार्ट्स की रीसेल वैल्यू काफी अच्छी होती है, जिन्हें बेचकर इनकम भी जनरेट की जा सकती है। अब बात करें इनकी एक्सटीरियर बॉडी की, तो कभी कभार कुछ एयरक्राफ्ट को जाने माने इंस्टीट्यूट और म्यूजियम को डिस्प्ले के लिए दिया जाता है, ताकि यंग जनरेशन इन्हें देख इंस्पायर और मोटिवेट हो सके। और वो होते भी हैं, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट अपनी कई वीर गाथाएं अपने ही अंदाज में बताते हैं।